एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में हम कार्डबोर्ड डीआईवाईज बनाने वाले हैं। तो इस तरीके से टू टाइप्स डीआईवाईज बनाएंगे हम। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, मैंने इस तरीके से वेस्ट कार्डबोर्ड का यूज़ करूँगी मैं, और इस तरीके से आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इस तरीके से मेज़र करके हम इसे कट कर लेंगे। हम मून बनाने वाले हैं, तो इस तरीके से देखिए, घर में जो भी छोटी छोटी स्ट्रिप्स या फिर लेस वगैरह पड़ी हुई होती है, हम उनका ही यूज़ करेंगे। और इस तरीके से ग्लू लगाकर जो है, मैंने फैब्रिक को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है, और उन्हें कॉन्ट्रास्ट में हम इस तरीके से कुछ इस पर पेस्ट कर देंगे। देखिए, इस तरीके से कॉन्ट्रास्ट में हमें फैब्रिक रखना है ताकि ये अच्छा लगे। इस तरीके, मैं काफ़ी टाइम से इस वीडियो को बनाने की सोच रही थी, बट फाइनली आज मैं बनाई है मैंने ये वीडियो, और आप लोगों के साथ शेयर भी कर रही हूँ। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है, और मैं डेफिनेटली मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूँगी। और ये भी बताना कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए, किस वेस्ट मटेरियल का रियूज़ चाहिए। और इस तरीके से हम जो हमारे पास लेस बची हुई है, उन लेस को भी इस तरीके से हम चिपका देंगे यहाँ पर। उसके बाद देखिए, मैंने 20 टाइम्स राउंड करके इस तरीके से टसल्स बना लिए हैं, और मेरे पास कुछ बीट्स पड़े हुए थे, इस तरीके से मैं उन्हें भी इनके अंदर पिरो दूंगी इस तरीके से। तो आपके पास जो भी घर में वेस्ट मटेरियल हो, आपको उसका यूज़ कर सकते हो इस तरीके से। देखिए, अगर आपके पास जो वूलन नहीं है, तो आप नॉर्मल जो गिट्टियाँ होती हैं जिससे हम सिलाई करते हैं, उस थ्रेड का भी आप यूज़ कर सकते हो। इस तरीके से देखिए, हम कार्डबोर्ड में इसे अच्छे से सिल देंगे। सो इसका फाइनल लुक कुछ इस तरीके का है। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा गाइस, आपको ये कैसा लगा है। तो चलो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट डीआईवाई पर। तो उसमें भी मैंने सेम कार्डबोर्ड की इस तरीके से चिड़िया के शेप में, देखिए कार्डबोर्ड मैंने कट कर लिया है इस तरीके से, और मैं उन पर डिफरेंट डिफरेंट इस तरीके से कलर्स कर दूँगी पूरे पे। और उसके बाद आपके आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी इन पर जो है डिज़ाइन पैटर्न आप बना सकते हो। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप मेरे जैसा ही बनाओ, आपके मन में जो है आप वो बना सकते हो। सो इस तरीके से देखिए, मैं कुछ बहुत इजी जो है पैटर्न्स इस पे ड्रॉ कर रही हूँ, आप इजीली इन्हें बना सकते हो। इस तरीके से देखिए, मैंने कुछ पैटर्न्स बनाए हैं यहाँ पे, और आप कुछ भी पैटर्न्स बनाओगे ना, ये डेफिनेटली अच्छा ही लगने वाला है इनके ऊपर। सो देखिए, कुछ इस तरीके से मैं डिज़ाइन इस पर बना रही हूँ। अगर आपको बिल्कुल भी पेंटिंग नहीं आती है, तो भी आप इन डीआईवाईज को बना सकते हो। और उसके बाद देखिए, मैं इस तरीके से इनके आईज़ बना दूंगी, उससे इनका लुक काफ़ी अच्छा आ रहा है। इस तरीके से आप कुछ भी डिज़ाइन अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो। उसके बाद मैंने फिर से 20 टाइम्स राउंड करके टसल्स बना लिए हैं, और कुछ इसमें मोती जो है मैंने इसमें लगा दिए हैं इस तरीके से। अब इन्हें भी हम सेम जो है कार्डबोर्ड में अच्छे से सिल देंगे। ईजीली हम इसे सिल सकते हैं कार्डबोर्ड में, कोई प्रॉब्लम हमें नहीं होगी। इस तरीके से टाइटली हम इसे नॉट लगा देंगे, और एक्स्ट्रा जो थ्रेड है उसे कट कर लेंगे। इसी तरीके से हमें दूसरी जो है उसमें भी लगानी है। हम दो लेयर बनाने वाले हैं, सो ध्यान रखना है इस तरीके से जो चिड़िया का जो फेस है वो एक दूसरे के अपोजिट होना चाहिए, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। और इस तरीके से मैंने दूसरे में भी लगा लिया है, और दूसरे में लगाने के बाद देखिए, हम इन्हें जो है ऊपर तक लाइन से हम इन्हें जो है इसे सील देंगे अच्छे से। तो सबसे पहले देखिए, इस तरीके से हमें नोट लगा लेनी है, उसके बाद कुछ बीट्स जो है हमें पिरो देने हैं इसमें। और पिरोने के बाद देखिए, हम इसे ऊपर वाले में इस तरीके से सील देंगे। इस तरीके से हमने सिल दिए हैं ये सारे। उसके बाद मैं देखिए, वूलन के छोटे छोटे पीसेस ले रही हूँ, और सेलो टेप का यूज़ करूँगी मैं। आप चाहो तो ग्लू गन या फिर ग्लू से भी इसे स्टिक कर सकते हो। और इस तरीके से देखिए, हम इसे अच्छे से चिपका देंगे, और उसके बाद हम वॉल पे ऐसे हैंग करेंगे, तो काफ़ी अच्छा और डिफरेंट लुक आने वाला है। सो मैं आपको फिर से कहूँगी कि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना, क्योंकि मैं अपने चैनल पर इसी तरीके की यूज़फुल और वेस्ट मटेरियल से क्राफ्ट बनाती हूँ। सो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक करना, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए।